बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका शेफ मरातिब अली। आज मैं हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। 2 किलो गोश्त की मटन कढ़ाई जल्दी से कैसे बनती है और कम मसालों में, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। किस तरह बनाते हैं, कौन से इंग्रीडियंट इस्तेमाल होंगे, कुर्बानी वाली ईद पे आप इसको जल्दी से बना सकते हैं और कम टाइम में बना सकते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे और तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है इसमें लहसुन जो है चॉप किया हुआ वो डाल देंगे। हमने इसको पकाना है, थोड़ा सौते करना है, हमने ब्राउन नहीं करना, ना लाइट ब्राउन करना है, और गोश्त शामिल कर देना है। ये 2 किलो गोश्त है और ये मिक्स गोश्त है, रान का गोश्त भी है, ये पुट का गोश्त भी है और सीने का गोश्त भी है। इसके अलावा इसमें गर्दन का कुछ भी थोड़ा सा गोश्त शामिल किया मैंने, यानी कि मिक्स गोश्त है, क्योंकि कुर्बानी वाली ईद पे गोश्त सारा मिक्स होता है और उसको जल्दी कैसे पकाया जाता है वो बता रहा हूँ मैं। नमक का शामिल करना है इसमें आपने, हसबे ज़रूरत है, मैं 2 खाने के चम्मच ले रहा हूँ इसमें। आपने पकाना है इसको अच्छे तरीके से। इस कंडीशन में आपने दम लगा देना, तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम लगाना है, और आग जो चूल्हा जो नीचे मीडियम रखना है आपने। देखिए नीचे अभी पानी थोड़ा सा है, थोड़ा नीचे ऊपर करके हम इसको दोबारा दम लगा देंगे और तकरीबन 10 मिनट का दम लगाएंगे। अभी चूल्हा नीचे मीडियम होना चाहिए आपका। देखिए माशाल्लाह अभी ऑयल है नीचे और गोश्त हमारा तकरीबन 60% पक चुका है। अभी इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर हमारे बारीक चॉप किए हों और साइज उनका बराबर हो, छोटे बड़े ना हो। ये देखिए 1 किलो टमाटर है, 2 किलो गोश्त है हमारा मटन का और 1 किलो टमाटर इस्तेमाल किए हैं। चूल्हा नीचे से आपने बिल्कुल हाई कर देना है, तेज़ कर देना है, क्योंकि टमाटर पकेंगे ये अपना पानी छोड़ देंगे। चूल्हा आपने नीचे से तेज़ रखना है, फुल तेज़ होना चाहिए। देखिए टमाटरों ने अपने पानी छोड़ दिया है। इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। अभी मसालों में सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च जो है तकरीबन 1 खाने का चम्मच है ये डाल देंगे, और कोई मसाला भी इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। चूल्हा नीचे आपका तेज़ होना चाहिए। देखें माशाल्लाह टमाटर काफ़ी पक चुके हैं। इसको हम तकरीबन अभी मीडियम आग पे तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट का दम लगा देंगे, ताकि मज़ीद जो टमाटर है वो भी पक जाए और गोश्त जो है हमारा थोड़ा सा है वो भी टेंडर हो जाए, गल जाए। ये देखें माशाल्लाह अभी आपने नीचे से चूल्हा जो है वो तेज़ रखना है और पकाना है अच्छी तरह से। ये दही है, तकरीबन आधा पाव दही है, 150 ग्राम दही है। इसके अंदर काली मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, 1-1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर है, और आधा खाने का चम्मच जो है काली मिर्च है पिसी हुई वो डाली है मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट के। और अभी हमने इसकी बुनाई करनी है अच्छी तरह से। देखें माशाल्लाह ऑयल ऊपर आ चुका है, अभी पकाएंगे थोड़ा सा मज़ीद इसको। और बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई है और जल्दी बनने वाली कढ़ाई है, कम मसालों में, कोई गरम मसाला हमने अभी ऐड नहीं करना इसके अंदर, कुछ भी नहीं शामिल करना, बस पकाना है। देखें माशाल्लाह कैसा लुक आया है, और ग्रेवी भी हमारी बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी है, जैसे कोरमे की ग्रेवी होती है। देखें मसाला हमारा तकरीबन, हाँ 4 मसाले हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं और कढ़ाई हमारी तैयार है। ये रेस्टोरेंट में भी आपको ऐसी कढ़ाई नहीं मिलेगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आपको ये कढ़ाई पसंद आएगी। चूल्हा आपने नीचे से मीडियम कर देना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें और आके शेयर भी करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी, ये बहुत ही आसान रेसिपी है। मैं दोबारा बता दूं कि ये 2 किलो मटन का गोश्त था और 1 किलो टमाटर इस्तेमाल किए हैं हमने। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च जो है वो इस्तेमाल की है, और दही इस्तेमाल किया है, और कोई मसाले इस्तेमाल नहीं किए हैं। इसके साथ ही मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह ने के बांध।